स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फीज की। मैं उन सेल्फीज की बात नहीं कर रहा जो हम दिन भर में न जाने कितने बार ही लेते हैं, ना ही मैं ऐसी सेल्फीज की बात कर रहा हूँ जो तूफानी करने के चक्कर में बहते हुए नदी के बीच में या चलते हुए ट्रेन के सामने आकर लात खाते हुए हम लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी की सेल्फीज की। वैसे सही मायने में ये पिक्चर्स हमारे द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स ही है, लेकिन क्या करें, अपन देसी लोग हैं और पृथ्वी की सेल्फी बोलने में बड़ा सेक्सी लगता है। खैर, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी पिक सबसे ज्यादा पसंद आई। तो दोस्तों, बहुत कुछ है जानने के लिए, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमारी इस प्यारी सी पृथ्वी की सबसे पहली सेल्फी ली गई थी सन 1946 में। इस मिशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जर्मन्स के द्वारा बनाया हुआ बहुत ही शक्तिशाली V2 रॉकेट का इस्तेमाल किया था और 24 अक्टूबर 1946 में एक 35 मिलीमीटर कैमरा को इस रॉकेट से जोड़कर 105 किलोमीटर अंतरिक्ष की ओर भेजा था। ये पहली बार था जब किसी भी इंसान ने पृथ्वी की कोई तस्वीर देखी थी जिसे अंतरिक्ष से लिया गया। इसके बाद और भी कई फोटोग्राफ्स लिए गए और फिर समय आया जब हमने चांद की परिक्रमा करने के लिए लूनर ऑर्बिटर 1 को स्पेस में भेजा। इस मिशन के दौरान 1966 में हमने पृथ्वी की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ ली। इस फोटोग्राफ में आधा पृथ्वी उजाले में था और आधा पृथ्वी अंधेरे में। इस फोटो को नाम दिया गया अर्थ राइज का। इसके बाद के कई सालों में अर्थ राइज के अनेकों फोटोज लिए गए, लेकिन इसका सबसे पहला कलर्ड यानी कि रंगीन फोटोग्राफ लिया गया 24 दिसंबर 1968 में। ये फोटोग्राफ लिया था विलियम एंडर्स ने, जो 8वें अपोलो मिशन के दौरान स्पेस में थे। पृथ्वी की अगली आइकॉनिक सेल्फी या फोटोग्राफ को लिया गया था 1972 में। ये फोटोग्राफ लिया गया था 17वें अपोलो मिशन के दौरान। इस फोटोग्राफ को नाम दिया गया है द ब्लू मार्बल। इसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस फोटोग्राफ में पृथ्वी का वो हिस्सा जहां दिन था वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा था और सूरज की रोशनी में हमारी पृथ्वी प्यारे से नीले रंग की दिखाई दे रही थी। इसके आने वाले सालों में भी और भी ऐसे फोटोग्राफ्स लिए गए जहां पृथ्वी का दिन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। इसके बाद आगे चल के सन 2012 में नासा ने इसका एक अलग ही वेरिएशन लिया और उसे नाम दिया गया द ब्लैक मार्बल। इस फोटोग्राफ में पृथ्वी का वो हिस्सा जहां रात था वो दिखाई दे रहा था और वहां पे रोशनी थी तो वो शहरों की जगमगाती लाइट्स के कारण। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली सेल्फी की तरफ। 1973 में मैरिनर 10 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी की स्टडी करने के लिए छोड़ा गया। इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन था मर्क्यूरी और वीनस के पास से गुजरते हुए हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लेना और वहां से डेटा कलेक्ट करके भेजना। जब ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 25 लाख किलोमीटर दूर था तब इसने पृथ्वी और चांद की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ ली। इन फोटोग्राफ में चांद और पृथ्वी के आधे हिस्से पर रोशनी थी और आधे पे अंधेरा। इसके अलावा 16 दिसंबर 1992 में गैलीलियो नाम के स्पेसक्राफ्ट ने, जो कि जुपिटर और उसके चांद की स्टडी करने के लिए जा रहा था, उसने भी पृथ्वी और चांद की ऐसी ही फोटोग्राफ ली। उस समय गैलीलियो की पृथ्वी से दूरी थी 62 लाख किलोमीटर। हालांकि चांद और पृथ्वी की ज्यादातर फोटोज में ये दोनों एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, लेकिन असल में पृथ्वी और चांद के बीच में लगभग 3.8 लाख किलोमीटर का फासला है। ये फासला आप हमारे इस फोटोग्राफ में आसानी से देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ लिया गया था मार्स एक्सप्रेस मिशन के दौरान 3 जुलाई 2003 में और इस फोटोग्राफ को लेते हुए पृथ्वी से इसकी दूरी थी 80 लाख किलोमीटर। दोस्तों, हमारे अगले तीन फोटोग्राफ्स में पृथ्वी को पहचान पाना थोड़ा कठिन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कहीं पृथ्वी आपसे मिस ना हो जाए। 9 मार्च 2004 को स्पिरिट मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर ने मार्स की सतह पर मिशन करते हुए वहां से पृथ्वी की फोटोग्राफ ली। इस फोटो में पृथ्वी एक छोटे से पॉइंट की तरह दिख रहा था और चांद के अलावा किसी और ग्रह या उपग्रह की सतह से लिया हुआ यह पहला फोटोग्राफ था। इस समय पृथ्वी से इसकी दूरी थी लगभग 26 करोड़ किलोमीटर की। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली सेल्फी की ओर। 15 सितंबर 2006 में कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह का स्टडी करते हुए 165 फोटोग्राफ लिए। इन फोटोग्राफ्स को लेने के लिए
कसिनी जो है वो शनि ग्रह के अंधेरे हिस्से में गया। यूं तो शनि ग्रह के चमकदार रिंग्स के कारण पृथ्वी को किसी फोटो में कैप्चर कर पाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन चूंकि ये फोटोज शनि की शैडो या परछाई में ली गई थी, इस कारण से एक्सीडेंटली पृथ्वी भी इन फोटोग्राफ्स में कैप्चर हो गया। जब ये फोटोग्राफ्स ली गई थी तब कसिनी की पृथ्वी से दूरी थी लगभग 1,49,000,000,000 किलोमीटर की। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लिस्ट के सबसे आखिरी सेल्फी की ओर। तो ये जो आइकॉनिक सेल्फी है इसे लिया गया था 14 फरवरी 1990 में, और इसे लेने के लिए वोयेजर 1 प्रोब का इस्तेमाल किया गया था। ये वो आखिरी फोटो है जो वोयेजर 1 प्रोब के द्वारा लिया गया था, और इसके बाद इसके कैमरे को बंद कर दिया गया था ताकि इसकी बैटरी बचाई जा सके। ये फोटो लेते हुए वोयेजर 1 की पृथ्वी से दूरी थी 6,43,00,000,000 किलोमीटर की। ये पृथ्वी का आज तक का सबसे ज्यादा दूरी से लिया गया इकलौता फोटोग्राफ। तो दोस्तों इस तरह हमारा लिस्ट खत्म होता है। इसके अलावा और भी बहुत से शानदार फोटोग्राफ आपको इंटरनेट में देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर उन्हें एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों पृथ्वी की बिगड़ती हालत को सुधारने में अपना योगदान जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस असीमित यूनिवर्स में ये पेल ब्लू डॉट ही है जिसे एकमात्र हम अपना घर कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे थम्स अप दें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।